हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी राजेश प्रोमो एंड यू वाचिंग आरबी मोटर ब्लॉग। आज का वीडियो का 2022 TVS Ntorq BS6 रेस एडिशन, नाम थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, इसके बारे में आज रिव्यू देने वाला है आप लोगों को, तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है इसका आगे का टायर जो 110/80 का है, जो दूसरे स्कूटर के टायर से थोड़ा बड़ा है, जो हैंडलिंग को बेहतर बनाता है। उसी के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा LED हेडलैम्प, जो स्कूटी का बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, बहुत सुंदर है। और इसी के ऊपर में आपको मिलेगा नंबर प्लेट और TVS का लोगो, और जो इसका LED सिग्नल लाइट मिलेगा आपको, और इधर स्टिकर मिल जाएगा स्मार्ट सोनेट का, और इसका जो हैंडल बार है ना, वाइड है, जो आपको दूर रास्ता जाने में कंफर्ट देगा। उसी की आप साइड में देखने को मिलेगा Ntorq रेस एडिशन का स्टिकर, और इसके नीचे आपको मिलेगा RTFI का 125 स्टिकर, और आगे से उसका लुक्स इस तरह है, जो रेड एंड ब्लैक बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है। और जो उसके ब्रेक के साथ, मतलब ब्रेक लॉक है, जो ढलान वगैरह में पार्किंग करना है नहीं तो रुकना है, तो ये बेहतर काम करेगा। इसको कैसा यूज़ करते हैं मैं बताऊँ। पहले ब्रेक को पकड़ो, खींचो, और फिर मतलब ब्रेक लॉक के साथ लॉक कर दो, और इसको अगर रिलीज़ करना है तो ब्रेक को पकड़ने से खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा। और पहले आप लोगों को मैं डिजिटल मीटर दिखाता हूँ। ये इसका इस तरह का है, जो क्लियरिटी नहीं आ रहा है यार, जो इसमें ये सेटिंग्स देख रहा है, ये जब सर्विस का टाइम आएगा खुद ब खुद मतलब अलार्म दे देगा आपको। और ये जो इंजन हीटिंग का ये सिग्नल है, और साइड में आप देख सकते हैं ये फ्यूल का, और इसमें टाइम, और आपने कितना किलोमीटर ड्राइविंग किया, इसका ये पूरा दिखाई देगा। और साथ में इसके साथ आपको मतलब GPS कनेक्शन भी कर सकता है, आप कहीं पर भी मतलब लोकेशन वगैरह, फ्यूल मतलब पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन वगैरह चेक कर सकता है इसके तरह। और ये है सिग्नल लाइट, सॉरी सिग्नल का स्विच, जो आप लेफ्ट एंड राइट इसको कर सकता है। और ये है ऑन ऑफ स्विच, और ये हो गया हजार्ड लाइट, जो दूसरे स्कूटर में नहीं है वैसे, लेकिन ये जो हजार्ड लाइट ना आपका मतलब गाड़ी को और भी मतलब महंगा लुक्स दे देता है। फुटरेस्ट और पीछे में भी ये लेडीज़ फुटरेस्ट, जो कंपनी गाड़ी के साथ ही दे दिया था मुझे। स्कूटी में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएगा। और जो इसका रियर सस्पेंशन है, कोयल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डंपर है, और पीछे वाला ब्रेक ड्रम ब्रेक है, और आगे में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और इसका पीछे वाला टायर का साइज़ है 110/90, एक बड़ा टायर है, जो आपको गाड़ी को मतलब रोड पकड़ के चलने में सहायता करता है, मतलब ठीक है। ये डबल स्टैंड, और ये है साइड स्टैंड, जो इंजन कार्ड ऑफ सेंसर मिल जाएगा इसी के साथ। इसमें थोड़ा बहुत सामान टांग सकता है आप, ज़्यादा नहीं, 3 किलोग्राम तक टांग सकते हैं, ये थोड़ा कमजोरी है। और इसी के पीछे में भी आप सामान वगैरह टांग सकते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टांग पाएगा क्योंकि ये थोड़ा मजबूती से बनाया हुआ है। चलिए आपको मैं सीट खोल के इसी का बूट दिखाता हूँ। यार इसमें तो थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था मैं, ये रेनकोट और
कवर है गाड़ी का, इसको पहले रख लेता हूँ। जो इसका सीट का कैपेसिटी है 20 लीटर है, यहाँ पर मतलब एक बड़ा फुल साइज का हेलमेट भी आ जाता है। और इसी के साइड में आप देख सकते हैं ये बूट लाइट है, और साथ में लगा हुआ है यूएसबी कनेक्टर, यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह चार्जिंग कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया। और ये इंजन वगैरह चेक करने के लिए, और इधर ये सीसी नंबर लिखा हुआ है। और ये फास्ट किट है, इसी के साथ आया हुआ था। चलिए अभी इसके इंजन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। ये 124.8 सीसी का इंजन है, ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 9.38 PS, और मैक्सिमम तो जनरेट करता है 10.5 NM, जो 125 स्कूटी के सेगमेंट में सबसे पावरफुल और दमदार स्कूटी है। इसका आप फीड एंड फिनिशिंग देख सकता है, देखने में ऐसा है बहुत बढ़िया है। मतलब इसका जो लुक्स है ना, कोई भी मतलब इग्नोर नहीं कर पाएगा। और FI इंजन है, और पीछे से भी देख इसका लुक्स इस तरह है। ये एक ऐसा स्कूटी है जैसे आप हाईवे पे लेके जा सकते हैं, आप इसको आराम से 80 तक भी चलाएगा ना, इस ये बढ़िया से रोड पकड़ के मतलब इतना बढ़िया चलता है कि ना ये मतलब हवा में तैरने लगता है, ना ही इसका मतलब इंजन में कुछ वाइब्रेशन होता है। ये गाड़ी किस लोगों के लिए बेहतर है मैं अभी बता देता हूँ। ये गाड़ी जिसको मतलब थोड़ा मतलब न्यू जनरेशन के साथ मतलब चलना चाहते हैं, थोड़ा बेहतर इंजन के साथ बेहतर मतलब दमदार बाइक चाहिए, और जिसको मतलब थोड़ा हाई स्पीड में चलाने को अच्छा लगता है, और बीच बीच में कभी कभार मतलब वीकली ऑफ वगैरह में मतलब थोड़ा लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। चलो अभी हम बात करते हैं इसका एक शोरूम ऑन रोड प्राइस EMI के बारे में। जब मैं लिया था इसका एक शोरूम प्राइस 97,800 था, और ऑन रोड प्राइस 1,03,000 था, और मैंने डाउन पेमेंट दिया था 32,200, और मैं अभी भर रहा है 2,585 फॉर 24 मंथ।